नमस्ते बच्चों, आज हम बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनके टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में बीएड के पाठ्यक्रम में शामिल समावेशी स्कूल बनाना विषय के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा विविधता। यानी हमारी राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे। विविधता से हमारा अभिप्राय है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और उस देश में विभिन्न जाति धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं और उन विभिन्न जाति और धर्मों के लोगों में और विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं में निवास करने वाले जो लोग हैं वो अपने स्तर पर, चाहे उनके खान पान की बात हो, चाहे उनके रहन सहन स्तर की बात हो, चाहे वेशभूषा की बात हो, अलग अलग स्वरूपों में पाए जाते हैं। अपने आप में सारे अलग अलग हैं, सब में समानता नहीं है। और किसी भी व्यक्ति, चाहे किसी भी विभिन्न वस्तुओं की हम बात करें या किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो अंतर पाए जाते हैं या उन अंतरों के होते हुए भी, अनेकों प्रकार के अंतर होते हुए भी वो हमें एक दिखाई दे, वो जो अंतर हैं वो अपने आप में विविधता के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ विविधता की जब हम बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो के जो अंतर हैं वो हमारे सामने दृष्टिगत होते हैं। और राष्ट्रीय एकता के स्तर की जब हम बात करते हैं, अनेकों प्रकार के अंतर होते हुए भी, अनेकों प्रकार की भिन्नताएँ होते हुए भी हमारा पूरा जो राष्ट्र है वो एक इकाई में बंधा हुआ है, एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। राष्ट्रीय एकीकरण की जब बात आती है तो राष्ट्र का एकीकरण जो है वो उसका निर्माण कोई, हम जैसे बात करें डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने जैसा कहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण किसी भी रूप में उसका निर्माण जो ईंट चूने छेनी या हथौड़े से नहीं हो सकता। ये तो मनुष्यों के मस्तिष्क और उनके जो हृदय की जो मूक भावनाएं हैं उनमें विकसित होता है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उसको पैदा करने का एकमात्र जो मार्ग है वो है शिक्षा का मार्ग। अपने आप में हालांकि इस मार्ग की गति बहुत धीमी है, लेकिन फिर भी यह गति सफाई और ठोस होती है, अपने आप में परिपूर्ण रूप से ठोस गति होती है इसकी। राष्ट्रीय एकता के मार्ग की जो अनेकों जो बातें हैं वो हमारे अनेक अंतर होते हुए भी, यानी विविधता में भी एकता का जो सूत्र हमारा है उसमें विविधता में एकता। राष्ट्रीय जो एकीकरण जो हमारा है वो उसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं और विभिन्न पहनावे के लोग यहाँ हैं, विभिन्न खान पान उन लोगों का है, के बावजूद भी हम सभी, पूरा जो राष्ट्र है वो एकता के सूत्र में बांधा हुआ है। और उसका जो मुख्य कारण यही है कि वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे देश के जो लोग हैं उन लोगों के मस्तिष्क और उनके जो हृदय की जो मूक भावनाएं हैं वो अपने आप में हमारे राष्ट्र के प्रति एक हैं, एकता का संदेश देती हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं उन विभिन्नताओं के बावजूद भी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। राष्ट्रीय एकीकरण जो है अपने आप में वो एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक क्रिया है। राष्ट्र का एकीकरण जब हम बात करते हैं तो वो अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक क्रिया के रूप में इसे माना है। शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक क्रिया की जब हम बात करते हैं तो वो अपने आप में मनोवैज्ञानिक क्रिया है। कैसे? यह मन से जुड़ी हुई है, यानी प्रत्येक जो देशवासी है उसका जो मानसिक जो जुड़ाव है हमारे राष्ट्र के प्रति है। एक ऐसी क्रिया है जो किसी के दबाव में नहीं है, किसी के बंधन में नहीं है, बल्कि इन सब के बावजूद भी मानसिक रूप से हमारे देश के साथ जुड़े हुए हैं हम, मनोवैज्ञानिक रूप से।
और दूसरा जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण की भावना अपने आप में शैक्षणिक क्रिया के रूप में है। विभिन्न प्रकार के शिक्षा माध्यम जो हैं वो हमें राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रेरित करते हैं, राष्ट्र में एकता की भावना का विकास करते हैं। जब जब भी किसी भी देश में क्रांतियां हुई हैं, जब देश में समग्र रूप में कोई बदलाव आया है, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, तब तब शिक्षा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके मूल में शिक्षा रही है, विभिन्न परिवर्तनों के मूल में शिक्षा का अपना अहम योगदान रहा है। चाहे हम रूस की क्रांति की बात करें, चाहे हम अमेरिका की क्रांति की बात करें, चाहे हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम की बात करें, या फिर अन्य वैश्विक क्रांतियों की बात जब हम करते हैं, तो उन क्रांतियों के मूल में शिक्षा रही है। क्यों? क्योंकि शिक्षा और साहित्य ने अपना अमूल्य योगदान दिया है, शिक्षा ने प्रचार प्रसार किया है अपने राष्ट्र की एकता का, और उस प्रचार प्रसार को जैसे ही लोगों ने पढ़ा, उसको समझा, उसको जाना, तब जो लोग हैं वो अपनी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होते हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भी अपनी विभिन्नताओं के बावजूद भी अपने राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो विविधता है, भारतीय समाज में विविधता किन रूपों में पाई जाती है, विविधता के स्वरूप कौन कौन से हैं, विभिन्न जो रूप हैं वो क्या हैं, विविधता के रूप क्या हैं, विविधता के विभिन्न रूप। विविधता के रूपों की जब हम बात करते हैं तो हमारे भारतीय परिवेश में सबसे बड़ी बात जो है वो स्वरूप है भौगोलिक दशाओं की भिन्नता। पहला स्वरूप क्या है? भौगोलिक दशाओं की भिन्नता। भौगोलिक दशाओं की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो देश है वो उसका आकार और क्षेत्रफल अपने आप में बहुत बड़ा है, और इसका क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो पूरे जो रूस को अगर छोड़कर यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर माना गया है, यानी अपने आप में बहुत बड़े क्षेत्रफल को कवर करता है हमारा देश। और हमारे देश की अगर हम बात करें कि उत्तरी साइड में हमारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और इतने बड़े क्षेत्रफल में, इतने बड़े भूभाग में अनेकों प्रकार की विभिन्नताएं हैं, जिसमें कहीं तो पर्वत हैं, कहीं मैदानी भाग हैं, कहीं पठारी भाग हैं, तो कहीं मरुस्थलीय इलाका है, तो कहीं समुद्र तटीय मैदान है, यानी विभिन्न स्वरूप इसके जो हैं हमारे, उन विभिन्न स्वरूपों में कहीं तो पहाड़ हैं, कहीं पठार, कहीं मैदान, और कहीं मरुस्थल, और कहीं समुद्र तट के इलाका, समुद्र तट का क्षेत्र। यानी हमारा जो देश है वो भौगोलिक विभिन्नताओं वाला देश है। हमारे इस देश में जहाँ हम बात करते हैं कि भी दुनिया के महानतम या विशालतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक पर्वत श्रृंखला जो कि हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र, इसके अलावा अनेकों जो पर्वत क्षेत्र जो हैं हमारे देश में पाए जाते हैं, तो पहाड़ी जो क्षेत्र है वो अपने आप में अलग भौगोलिक स्थिति का निर्माण करते हैं। कहीं हमारा पठारी जो क्षेत्र है दक्षिण दिशा में भारत के जो विभिन्न राज्यों में फैले हुए पठारी भूभाग हैं, और कहीं मैदानी भूभाग है, उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है वो अपने आप में अलग विशेषताओं को लिए हुए है। और दूसरे अगले स्वरूप की जब हम बात करें, मरुस्थलीय इलाका जो कि भारत के पश्चिम क्षेत्र में अधिकतर फैला हुआ है, और हम बात करते हैं विशेष तौर से राजस्थान का जो क्षेत्र है वो अपने आप में एक बहुत बड़े मरुस्थलीय भूभाग को घेरे हुए है। और उसके बाद समुद्र तट का क्षेत्र हमारे दक्षिण भारत में
या पूर्वी भारत में जो दक्षिण पूर्वी जो हमारी सीमाएं हैं वहां पर समुद्र तटीय जो इलाका है हमारा वो है। तो इस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाओं की भिन्नता पाई जाती है। अब दूसरा जो स्वरूप है हमारी विभिन्नता का, हमारी विविधता का, वो है हमारे देश में धार्मिक विभिन्नता। धार्मिक भिन्नता यानी हमारा जो देश है उसमें विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न प्रजातियों की भांति भारत भूमि में विभिन्न धर्मों को मानने वाले जो लोग निवास करते हैं। हमारे भारत देश में वैदिक काल से जो हमारा चला आ रहा पुरातन चीन सनातन धर्म है और उसी धर्म के साथ साथ जो अन्य धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं वो यहाँ निवास करते हैं। यहाँ हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यानी अनेकों प्रकार के धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं वो निवास करते हैं। किसी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है तो किसी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम है, के बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ भाईचारे और प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए इस देश में निवास करते हैं। सभी धर्मों का हम आदर करते हैं, हमारे लिए जो सारे धर्म हैं वो बराबर हैं। राज्य की दृष्टि में या फिर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सारे जो धर्म हैं वो अपने आप में पवित्र हैं। प्रत्येक धर्म ग्रंथ जो है, चाहे वो हमारा गीता हो, चाहे वो हमारा ग्रंथ कुरान हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो बाइबिल हो, यानी अपने आप में सारे जो धर्म ग्रंथ हैं उन सबको हम पवित्र मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का हम पालन करते हैं। उनमें दी गई जो शिक्षाएं हैं, उन महापुरुषों द्वारा जो लिखी गई बातें हैं, धर्म पुरुषों ने जो लिखा है उसमें, वो अपने आप में अलौकिक है, अद्वितीय है और उससे हम शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। विभिन्न धार्मिक जो मान्यताओं के लोग हमारे देश में रहते हैं और उन सभी धर्मों से ऊपर उठकर हमारे भारत देश में एक धर्म को हम सब लोग मानते हैं, वो सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म, यानी मानवता का धर्म, या फिर हम बात करें इंसानियत का धर्म। इंसानियत जो है वो सर्वोपरि है हमारे देश की भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, चाहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले हैं लेकिन मानवता का जो धर्म है सबसे ऊपर है। यहाँ हमारे इस भारत देश की हम बात करते हैं तो इंसानियत से मानवता से दिलों में यहाँ प्रेम पलता है और इंसानियत के तारों से हर जगह सिलता है, यानी इंसानियत से ही तो दिलों में प्रेम पलता है और इंसानियत के तार से यहाँ हर जगह सिलता है। भले ही नाम के अलग अलग मजहब हैं, भले ही नाम के अलग अलग मजहब हैं लेकिन उन सबका हसर है ये माटी की, फर्क इसमें सिर्फ इतना ही है हिंदू इसमें जल कर मिलता है और मुसलमान इसमें गल कर मिलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्वोपरि जो हमारा धर्म है इंसानियत का धर्म, उस धर्म का निर्वहन करते हैं। प्रत्येक भारतीय में मानवता की भावना ओतप्रोत रूप में भरी हुई है। तो हमारी जो धार्मिक भिन्नताएँ हैं उन धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद भी हम सामूहिक रूप से सारे एकाकार रूप में मानवता के धर्म को मानते हुए एकता का परिचय देते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्व में हमारे बांग्लादेश की सीमा से लेकर और पश्चिम में पाकिस्तान तक, पूरा जो भौगोलिक विभिन्नता वाला जो हमारा देश है उसमें विभिन्न धर्मों को मानने वाले जो लोग निवास करते हैं उन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों में अपने आप में एकता की भावना है। हम सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हैं, ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। और हमारे देश में विभिन्न धर्मों को जो मानने वाले जो लोग हैं उन लोगों में आपसी भाईचारा और प्रेम जो है वो देखने को मिलता है। एक दूसरे धर्म के विभिन्न त्योहारों पर हम एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उनके धर्मों के विभिन्न त्योहारों को हम आपस में मिल बांट कर मनाते हैं। और हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में तो ये कहा भी जाता है कि सात बार नौ त्यौहार, यानी सात बार नौ त्यौहार,
एक सप्ताह के 7 दिन हैं और इन 7 दिनों में हम लोग 9 त्यौहार मनाते हैं। इससे हमारा अभिप्राय ये है कि साल में हर समय हमारे देश में त्योहारों की रौनक चलती रहती है, आए दिन हम किसी न किसी धर्म के कोई ना कोई त्यौहार को मनाते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम विभिन्न पर्वों को एक दूसरे के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। विभिन्न धार्मिक विभिन्नता हमारे देश में पाई जाती है ये बावजूद भी। अब नेक्स्ट जो अपना बिंदु है हमारी भारतीय समाज की विभिन्नता का परिचायक है सांस्कृतिक विभिन्नता। सांस्कृतिक विभिन्नता है सांस्कृतिक विभिन्नता की जब बात आती है तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हमारे भारत देश में अनेकों परंपराएं हैं, अनेकों तरीके के खान पान, अनेकों प्रकार का रहन सहन, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा, कला, साहित्य, ये हमारी सारी चीज़ें अलग अलग हैं। के बावजूद भी हमारे देश में जो विभिन्न धर्म ग्रंथों की बात हम करते हैं या फिर विभिन्न प्रकार के साहित्य की जब हम बात करते हैं, विभिन्न संस्कृतियों की जब हम बात करते हैं, तो हम एक दूसरे के प्रति आदर और मान सम्मान की भावना रखते हुए उन विभिन्न धर्मों को मानते हुए विभिन्न संस्कृतियों को अपने आप में समाहित करते हैं। यह बात हमारे लिए सबसे बड़ी है कि हमारे देश में अनेकों प्रकार की के गीतकार जो हुए हैं, जब देखना ये है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का नमूना जो है हमारे साहित्य में हमें पढ़ने को मिलता है। रसखान जो है वो अपने आप में वास्तव में रस की खान है और जब वो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं श्री कृष्ण लीला, भगवान श्री कृष्ण के का वर्णन करते हैं, उनका यशोगान करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मधुर लगता है। अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है ये कि जब किसी भी चाहे वो धर्म के अनुयायी हों के बावजूद भी एक दूसरे धर्म के जो अपने आप में धार्मिक व्यक्ति हैं या अपने आप में एक ईश्वरीय अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण जब हुए हैं हिंदू धर्म में, तो उनका वर्णन जब रसखान करते हैं तो उनके हाथों से वो लिखी हुई पुस्तकें या उनके मुखारविंद से निकले हुए वो शब्द जो है हमें अपने आप में प्रभावित कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के जो विश्वास, लोगों की जो मान्यताएं जो हैं वो अपने आप में एक दूसरे से मिलती हुई हैं, उन लोक मान्यताओं में हमें विश्वास करते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना बिंदु है विभिन्नता का वो है जलवायु की विभिन्नता। जलवायु की विभिन्नता यहाँ सबसे बड़ी बात ये भी है, हमारा भारत देश जो अपने आप में बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ उष्ण जलवायु भी है, शीत भी है और शीतोष्ण भी है, विभिन्न तरीके की जलवायु हमारे देश में पाई जाती है। विभिन्न साल के विभिन्न महीनों में भी अलग अलग तरीके का वातावरण हमारे देश में एक स्थान पर हमें देखने को मिलता है। जहाँ हम बात करें किसी एक क्षेत्र विशेष में गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है, यानी अपने आप में बहुत ही ठंडा मौसम भी रहता है। और उसी दौरान जब देश के किसी एक कोने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब देश का कोई एक इलाका ऐसा भी होता है वहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण होता है, बिल्कुल ठंडा सुहावना मौसम रहता है। इस प्रकार से जहाँ राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका जब गर्मी में प्रचंड गर्मी में लू से जल रहा होता है, तब वहाँ हम बात करें कि हमारा जो है हिमाचल का जो इलाका है वो अपने आप में बिल्कुल शीतल होता है, जम्मू कश्मीर का इलाका अपने आप में बिल्कुल शीतल होता है। वो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो जलवायु है उस जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है।
और उस विभिन्नता के बावजूद भी हम पूरे देश को एकाकार रूप में देखते हैं, उस विभिन्नता में भी एकता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक विविधता। अपने आप में सबसे बड़ी जो बात है वो है सामाजिक विविधता की। सामाजिक विविधता हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जाति धर्मों के लोग जब निवास करते हैं तो उनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं के अनुसार भी हमारे देश में अनेकों प्रकार के रीति रिवाज भी उनके पाए जाते हैं। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, जहां हमारे देश में सभी लोगों में अपने आप में विभिन्नता है, इस बात को लेकर कि विभिन्न क्षेत्रों के जो लोगों के विवाह, उनके परिवार, उनकी संपत्ति, उनका जो सामाजिक जीवन है उसमें हमें विविधता दिखाई देती है। कहीं लोग संयुक्त परिवार को मानते हैं, संयुक्त परिवार में रह रहे होते हैं, तो कहीं हमारे देश में लोग एकाकी परिवार में रह रहे होते हैं। दोनों तरीके के परिवार हमारे देश में हमें देखने को मिलते हैं, सबसे बड़ी बात है। और कहीं जो है हमारे देश में पितृवंश परिवार पाए जाते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार मिलते हैं, तो कहीं हमें मातृसत्तात्मक परिवार भी देखने को मिलते हैं। अपने आप में दक्षिण की व्यवस्था से लेकर उत्तर तक की जो हमारे व्यवस्थाएं हैं वो सारी अपने आप में विभिन्न हैं। एक ही उत्सव को मनाने के तरीके जो हैं हमारे देश के लोगों के अलग अलग हैं। अपने आप में एक सामाजिक परंपरा है विवाह की, और उस वैवाहिक परंपरा को उत्तर भारत के लोग अलग तरीके से मनाते हैं तो दक्षिण भारत के लोग अलग तरीके से मना रहे होते हैं, या मध्य भारत के लोग हैं वो अलग तरीके से मना रहे होते हैं। इस प्रकार से अनेकों प्रकार की जो विविधताएं हैं वो हमारी सामाजिक विविधता के रूप में शामिल हैं। नेक्स्ट जो अपना बिंदु है वो है भाषागत विविधता। भाषागत विविधता भाषागत विविधता की जब बात आती है तो हमारा जो देश है वो बहुभाषी लोगों का देश है। इसमें अनेकों भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, अनेकों बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। एक ही भाषा के अनेकों स्वरूप हैं अपने आप में। एक ही भाषा में शब्दों की विविधता है। एक ही वस्तु के लिए अनेकों प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमारे देश के लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने आप में उस बात के बारे में जानना कि हमारे देश में अनेक भाषाओं को मानने वाले लोग हैं वो निवास करते हैं। हमारे उत्तर भारत की जब हम बात करें या फिर हम पंजाब हरियाणा क्षेत्र की जब बात करें तो उसमें पंजाबी या हरियाणवी भाषा को बोलने वाले लोग हैं, तो दक्षिणी भारत में जहाँ मलयालम या कन्नड़ भाषाएँ बोली जाती हैं, जहाँ राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है वो अपने आप में मेवाड़ क्षेत्र में अलग बोली जाती है, मारवाड़ में अलग बोली जाती है। विभिन्न प्रकार की बोलियों के स्वरूप में वो अपनी अपनी भाषा का उच्चारण करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं को मानने वाले जो लोग हैं हमारे देश में रहते हैं। हमारे संविधान प्रदत्त जो भाषाएँ हैं हमारे देश की वो भाषाएँ भी हैं, और प्रत्येक क्षेत्र में हमारे देश के लोग जब अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले हैं। लगभग हमारे देश में 1600 प्रकार की जो भाषाएं हैं मातृभाषा के रूप में, उनमें उनका प्रचलन है, और जिन्हें 826 भाषाओं के अंतर्गत गिना जा सकता है, माना जा सकता है। हमारे देश की जो वो मातृभाषाएं, सैकड़ों मातृभाषाएं हैं हमारे देश में वो लोग बोलते हैं, और उनको लगभग एक दूसरे में समाहित करते हुए हम 800 के लगभग जो भाषाएं हमारे देश में मानी जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं, और हमारे प्राचीन बड़े बुजुर्गों द्वारा तो कहा गया है कि भी 5 कोस में बदले पानी और 10 कोस पर बदले वाणी, यानी 5 कोस अर्थात 10-15 किलोमीटर के बाद तो पानी बदल जाता है और 20-30 किलोमीटर के बाद में वाणी बदल जाती है, अर्थात भाषा या हमारी बोली है वो बदल जाती है। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की भाषा को समझने का प्रयास करते हैं,
और उनके भाषिक शब्दों को अगर समझ नहीं पाते हैं तो भावनात्मक रूप से उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। और आपसी जो संवाद है, विभिन्न भाषा भाषी लोग हमारे देश में होने के बावजूद भी आपसी संवाद हमारे होते हैं, सबसे बड़ी बात है। हमारी जो है, हमारे देश की एक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भी, या फिर हमारी एक भाषा जो है वो राजभाषा हिंदी होने के बावजूद भी, हमारे देश में अनेकों भाषी जो लोग हैं वो आपस में विभिन्न प्रकार के संवाद करते हैं। हमारा दक्षिण भारत का एक क्षेत्र ऐसा जहाँ क्षेत्र विशेष कि वहाँ लोग हिंदी भाषा को जानते तक नहीं, केवल अंग्रेजी भाषा या फिर अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। तो एक क्षेत्र ऐसा भी हमें मिलेगा कि जहाँ अंग्रेजी भाषा को लोग नहीं जानते हैं, वो केवल हमारी हिंदी भाषा और अपनी क्षेत्रीय भाषा को ही काम में लेते हैं। हालांकि भाषाई जो समस्या है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या रही, आज़ादी के पश्चात भी शिक्षा का जो हमारा वातावरण है उसमें भी हमारी जो शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो, इस विषय पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए के बावजूद भी हमारे देश में अनेकों भाषाओं को मानने वाले लोग जब निवास करते हैं और उनमें अपने आप में भाषाई आधार पर एकता भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से विविधता के जो विभिन्न स्वरूप हैं हमारे, उनमें सबसे पहला तो हम उन पर दृष्टिपात करें तो भौगोलिक दशाओं की भिन्नता हमारे देश में पाई जाती है। भौगोलिक रूप से हम लोग हैं वो एक दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, वो कहीं तो पठारी भाग में रह रहे हैं तो कहीं पहाड़ी भाग में रह रहे हैं, कहीं मरुस्थलीय इलाकों में लोग रह रहे हैं तो कहीं मैदानी भागों में रह रहे हैं। और उसके बाद में हमारे देश में धार्मिक भिन्नता पाई जाती है, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। सांस्कृतिक रूप से हमारे देश की विविधता पाई जाती है, अनेकों प्रकार की वेशभूषाएँ, हमारे रहन सहन का स्तर, खान पान का स्तर आदि चीज़ों में विभिन्नता पाई जाती है। हमारे देश में जलवायु की विभिन्नता है, विभिन्न प्रकार की जलवायु, शीत जलवायु, उष्ण जलवायु और शीतोष्ण जलवायु दोनों का मिश्रित रूप जो है वो हमारे देश में पाया जाता है। सामाजिक विविधता हमारे देश में पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जो समाज हैं उनकी विभिन्न सामाजिक मान्यताएं हैं, विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज हैं, विभिन्न धर्मों, विभिन्न पर्वों को मनाने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है उनका, अनेकों प्रकार के उनके तरीके हैं के बावजूद भी सामाजिक रूप से हम लोग सारे एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रूप से रहते हैं। और उसके बाद भाषागत भिन्नता की बात आती है, हमारे देश में भाषाई आधार पर विविधता बड़े स्तर पर है, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हमारे देश में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में हमने जाना विविधता के विभिन्न स्वरूप हैं, अलग अलग स्वरूपों में विविधता है। और इन सब की भिन्नताओं के बावजूद भी जो है हमारा देश पूरा एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रत्येक व्यक्ति ओतप्रोत है। बाकी हम नेक्स्ट कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।